गुड मॉर्निंग क्लास विप, सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी रिमझिम, और इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी फसलों के त्यौहार। तो आज हमने जो पार्ट पढ़ा था फसलों के त्यौहार, इससे संबंधित हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए हैं बच्चों, तो उन्हीं को आज हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से इनको देखिएगा, जितना भी हमने पार्ट में पढ़ा तो वहीं से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस स्थान पर तिलकुट प्रसिद्ध है? तिलकुट, ठीक है ना, मनाया जाता है, बनाया जाता है, तो कौन से? गया। गया है जहाँ पे तिलकुट जो मकर संक्रांति में बनाया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर टू, देश भर में फसलों से जुड़े त्यौहार कब मनाए जाते हैं? जो देश भर में फसलों से जुड़े त्यौहार हैं वो कब मनाए जाते हैं? तो जनवरी से अप्रैल तक फसलों से जुड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। सरुहल का जश्न कितने दिनों तक मनाया जाता है? जो सरुहल है इसका जश्न कितने दिनों तक? तो चार दिनों तक इसको मनाया जाता है बच्चों। पोंगल मनाते समय मटके के मुंह के चारों ओर ऊपर से क्या बांधा जाता है? जब पोंगल मनाया जाता है तो मटके के चारों तरफ कुछ लगाया जाता है, तो साबुत जो हल्दी होती है, ठीक है ना, हल्दी जो हम खाने में यूज़ करते हैं, उस हल्दी को, साबुत हल्दी मटके के मुंह के चारों तरफ बांधी जाती है और पोंगल मनाया जाता है। पाठ में किस ऋतु के त्यौहार का वर्णन किया गया? जो तो सर्दी का मौसम है, ठीक है ना, सर्दी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में खिचड़ी का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है? जो खिचड़ी संक्रांत है किस नाम से मनाया जाता है? तो पोंगल के नाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में पोंगल के नाम से त्यौहार मनाया जाता है। फिर है बच्चों यहाँ पे सरुहल, सरुहल आया है पाठ में, सरुहल क्या है? तो सरुहल एक त्यौहार है, यह झारखंड में मनाया जाता है। फिर है गुजरात में पतंगे किस त्यौहार पर उड़ाई जाती हैं? तो मकर संक्रांति के दिन पतंगे उड़ाई जाती है। जो मकर संक्रांति त्यौहार होता है उसी दिन गुजरात में सभी लोग क्या करते हैं, आकाश में पतंगे उड़ाते हैं। तो आज बच्चों आपने क्या करना है, इतने जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं आपने अपनी कॉपी पे करना है और साथ में इनको याद भी करना है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और जल्दी से आपको ये याद भी हो जाएंगे।